और वहीं राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव से संवाददाता जय कृष्णा ने बातचीत की। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दंगल के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से लोगों का उत्साहवर्धन किया जा रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सर यहाँ पर आप शिरकत करने पहुंचे, किस तरह से यहाँ उत्साहवर्धन किया गया? हम लोगों ने देखिए लगातार ये लगभग 35 साल से ज्यादा पुराना ये मेला लगता है और इस मेले में बहुत ही बड़ी तादाद में लोग सम्मिलित होते हैं। मैं समझता हूँ इस मेले को खरीदारी के अलावा एक नज़रिए से ये भी देखा जाता है कि हमारे बीच की जो दिक्कतें हैं या समाज में जो संदेश हम पहुँचाना चाहते हैं उन संदेशों को भी हम इस मेलों के द्वारा नाटकीय ढंग से या किसी कार्यक्रम के द्वारा उन तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो बहुत अच्छा एक प्रयास है और मैं समझता हूँ जहाँ तक दंगल की बात है तो हम लोगों ने लगातार इस खेल को आगे बढ़ाया है। नेताजी ने भी जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय दंगल को आगे बढ़ाने का किया था कार्य। आपकी क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट बनाए गए, स्पोर्ट इंस्टीट्यूट बनाए गए, सैफई में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया गया जहाँ से कितने बड़े बड़े खिलाड़ी निकले। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों का, हमारे परिवार का, हमारी पार्टी का बहुत पुराना नाता है इस दंगल से। सर राम मंदिर का मुद्दा जो कि बहुत दिनों से चला आ रहा था, एक ऐतिहासिक फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? हम लोग पूरी तरह सम्मान करते हैं कोर्ट ने जो फैसला दिया है। मैं तो कहता हूं कि कोर्ट का हम ही क्यों, सभी को सम्मान करना चाहिए। हमारा संविधान ऐसा है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है तो हम लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं ये भी समझता हूं कि जो बेंच थी, जो पैनल थे, बहुत ही बड़े बड़े जजिस थे तो हम लोग कहीं भी संदेह नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से जजमेंट आया है और सभी को उसका सम्मान करना। सर पहले पावर कॉर्पोरेशन का घोटाला देखने को मिला और आज ही होमगार्ड वेतन घोटाला देखने को मिला है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? क्या रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार आने में और सरकार से पहले जितने भी दावे किए गए थे वो सब पूरी तरीके से झूठे थे। आपने देख लिया कानून व्यवस्था की बात की गई, ये वही 2.5 साल पूरे हुए हैं कि जहां पे पुलिस अधिकारियों को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, पुलिस बेकसूर लोगों को एनकाउंटर का कह के उनको मार रही है, उनको टारगेट कर रही है। तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म ध्वस्त हो चुकी है। विकास के नाम पे आज के समय पे मैं कह सकता हूँ कहीं भी कोई कार्य नहीं हो रहा। यहाँ पे बड़े बड़े मंत्री उप मुख्यमंत्री कहते हैं सड़कें जो है गड्ढा मुक्त है। मैं कहता हूँ यहीं पे आप जाते समय जरा एक बार सड़क दिखा दीजिएगा, ये लखनऊ के अंदर आने वाला क्षेत्र है और यहाँ पे सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है। तो गड्ढा मुक्त की आप जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ एक तरीके से लोगों को एक बबल है जिसमें रखा जा रहा है, ये कहीं भी सच्चाई धरातल पर ये कहीं भी सच्चाई नहीं है। तो 2022 के चुनाव को लेकर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किस तरह से कमेटी को मजबूत करेगी? हम लोगों ने भी काम किया है, हम लोगों ने कमेटी की जब अपनी बैठकें भी बुलाई थी और बूथ स्तर से हम लोग अपनी कमेटी को बना रहे हैं। बूथ स्तर से लोगों को जोड़ा जाएगा, उसके बाद आगे आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें किस तरीके की भूमिका रहेगी ये हमारी जो कोर कमेटी है वो निर्णय लेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लगातार प्रगति कर रही है और जनता के मुद्दों पर काम कर रही है। राजधानी लखनऊ से के न्यूज के लिए जय कृष्णा।